अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डाइट एंड स्लिमिंग ऑफिस इस्लामाबाद से डाइटिशियन महरीन वंस अगेन आप देख रहे हैं AQ TV। व्यूअर्स, पिछले जो हमने 3 क्लिप किए उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डाइट मैनेजमेंट एंड वेट लॉस ऑफ डिफरेंट जो बॉडी टाइप के लोग होते हैं। हमने उसमें एप्पल शेप डिस्कस की थी, पियर शेप डिस्कस की थी और पायरामिड बॉडी शेप डिस्कस की थी। लास्ट जो बॉडी शेप हम आज डिस्कस करें वो है आर क्लास बॉडी शेप। और आर क्लास बॉडी शेप के लोग वो होते हैं जिनका फैट ऑल ओवर द बॉडी होता है, यानी सर से लेकर के पैर तक उनकी जो है जो फैट डिपॉजिट होता है वो होता है। और आप अगर उनको देखें तो वो आपको बिल्कुल फुटबॉल लुक देना जो है वो एक स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका जो फैट डिपॉजिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर द बॉडी। इस तरह के जो लोग होते हैं उनका स्पेशली जो है फेस एरिया जो है वो ज़्यादा उनका ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कॉमन क्रेविंग्स जो इस तरह के लोगों में होती हैं वो होती हैं शुगर क्रेविंग्स। उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिल चाहता है कि कोई बेकरी की चीज़ खाएँ, कोई पेस्ट्री, केक, बर्गर्स, मीठा, चॉकलेट्स वगैरह, इस तरह की क्रेविंग्स उनको जो है ज़्यादा होती हैं। और अगर उनको ये क्रेविंग्स पूरी ना हो और शुगरी आइटम्स उनको ना मिले तो वो बहुत कॉमनली कंप्लेंट करते हैं कि हमें हेडेक होता है, हमारा शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। सो ऐसे लोगों की जो डाइट मैनेजमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू इन लोगों के जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। सो कॉमन एक और प्रॉब्लम जो ऐसे लोगों में होता है वो होती है सॉल्ट रिटेंशन या वाटर रिटेंशन। बहुत सारा जो वेट होता है वो आपका वाटर वेट होता है। नेचुरली आप जब ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं, वेट तो आपका बढ़ता ही है, लेकिन ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से आपको वाटर रिटेंशन भी हो जाती है। सो वो आपका बहुत ज़्यादा एक स्वेलिंग जो है वो महसूस होती है फेस पे, पैरों पे, आपको ओवरऑल एक एडिमा की सी जो है सिचुएशन होती है। डाइट मैनेजमेंट में क्या चीज़ आपने अवॉइड करनी है, डेफिनेटली जो बात हो रही है कि शुगरी आइटम्स आपने अवॉइड करने हैं और ख़ास तौर पर नमक वाली जो अशिया हैं वो आपने अवॉइड रखनी है ताकि आपको एटलीस्ट मज़ीद वाटर रिटेंशन उसमें ना हो। सो सॉल्ट फ्री जो डाइट्स होती हैं या वो डाइट्स जिसमें कुदरती तौर पे नमक की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इंशाल्लाह एक क्लिप हम इस पर भी करेंगे कि वो कौन से आइटम्स हैं जिनमें कुदरती तौर पे नमक की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। कुछ आइटम्स मैं आपको इंशाल्लाह अब बताऊँगी। एक और चीज़ जो ऐसे लोगों को अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए वो होती है वंस इन अ वीक डिटॉक्स करें, ठीक है। डिटॉक्स करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। वंस इन अ वीक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि वो जो फ्री रेडिकल्स और एक कचरा जो बॉडी में जमा होता है उसको रिमूव करने के लिए जो है आप डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप पानी नेचुरल डिटॉक्स है, सो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, इससे आपका एक नेचुरली डिटॉक्स हो जाएगा। डिटॉक्स ड्रिंक आप बना सकते हैं, डिटॉक्स वाटर्स आप जो हैं यूज़ कर सकते हैं इन समर्स, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली जो है होती रहे। और आपने वर्कआउट को यानी एक्सरसाइजेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। याद रखें आपका वेट लॉस 80% आपकी न्यूट्रिशन है एंड 20% आपकी एक्सरसाइज है। सो आप कहीं पर भी हैं, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, अपने कोई भी करीबी अच्छे से जिम को ज्वाइन करें, किसी अच्छे से पार्क को ज्वाइन करें, कोई अच्छा सा क्लब ज्वाइन करें ताकि आपका जो 20% जो एक्टिव लाइफस्टाइल में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी इग्नोर ना हो और आप एक्टिव भी रहें और अच्छा खाएँ भी। सो इसी तरीके से आप बहुत अच्छे से अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहेगा और आप ओवरऑल जो आपने फैट डिपॉजिट आपकी बॉडी में हो रहा है वो भी आपका कम हो जाएगा और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी लाइफ की तरफ और एक हेल्दी लाइफ की तरफ जो है जाना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे। सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।